न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खरगोन जिले के बड़वाहा वन क्षेत्र से, जहां एक बार फिर टाइगर नजर आया है। वन विभाग के कैमरे में कैद तस्वीर में टाइगर यानी कि बाघ की पीठ पर जख्म नजर आने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम सहित सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट के दल ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहे हैं, लगातार सर्चिंग की जा रही है। भीषण गर्मी में टाइगर के देवास जिले या पुनासा वन रेंज से पहुंचने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वन विभाग ने बड़वाहा वन रेंज में जंगल में पिकनिक पार्टी करने पर प्रतिबंधित लगा दिया है। वन क्षेत्र के आसपास के गांवों के लोगों को भी सतर्क किया है। वन क्षेत्र में टाइगर देखने की वन विभाग ने फोटो और वीडियो के साथ भी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते पानी के छोटे से पोखर में टाइगर सुस्ता रहा है। अब सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट की टीम वन क्षेत्र में बाघ की तलाश कर रही है, साथ ही बाघ की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए उसके विश्राम स्थल के आसपास कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ड्रोन कैमरे से बाघ की ट्रेनिंग की जा रही है। अभी तक उन्हें बाघ तो नहीं दिख पाया है, लेकिन बाघ के पग मार्क, उसके द्वारा मारकर खाए जानवर और अन्य कई ऐसे सबूत वन विभाग को मिले हैं, जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बाघ को बड़वाहा वन क्षेत्र रास आ रहा है। वह पिछले एक माह से इसी क्षेत्र में है। बड़वाहा वन क्षेत्र में टाइगर को लेकर केवल सुनने में आया था, लेकिन यह पहला मौका है जब इसे इतनी सुलभता से देखा जा रहा है। अंदाजा यह है कि टाइगर देवास जिले या फिर पुनासा रेंज के जंगलों से होते हुए बड़वाहा वन मंडल पहुंचा है। यह टाइगर किस वन क्षेत्र का है, इसका पता भी सतपुड़ा रिजर्व फॉरेस्ट की टीम लगाने का प्रयास करेगी। जगह जगह वन क्षेत्र में उसके आवास के निकट इंफ्रारेड कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि टाइगर को पहचाना जा सके कि यह कौन से रिजर्व फॉरेस्ट का है। वन विभाग के अधिकारी टाइगर के शरीर पर धारियों के पैटर्न के आधार पर टाइगर की पहचान कर सकते हैं। प्रत्येक बाघ की धारियों का पैटर्न भी अलग होता है। वन विभाग के पास बाघों की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक बाघ के शरीर पर मौजूद धारियों के पैटर्न की जानकारी है। हालांकि फिलहाल कैमरे में बोलने से वन अधिकारी बच रहे हैं।